तो बज गए हैं सुबह के 9 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं तो उठ गई हूँ, बस जो अभी घर में और प्राणी है वो अभी भी सो रहे हैं। महाराज देखो कैसे हाथ दोनों फैला के, इधर ये महाराज उठ चुके हैं और फोन चला रहे हैं। आवाज़ सुन के इनकी भी आँख खुल गई है, देखिए फिर से पलट के सो गए। मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने लिया है एक कीवी छोटा सा और मिल्क में बॉईल कर रही हूँ पीने के लिए। इन लोगों के लिए बन रहा है आलू का पराठा, इन लोगों ने फरमाइश करी आलू का पराठा खाने की, तो यहाँ मैंने आलू को फ्राई करने का जुगाड़ कर लिया है। ये बिजनेस मोटिवेशन की बातें। राहुल तुम क्या कर रहे हो? रजत आप क्या कर रहे हैं? बैठ के कीवी को देख रहे हैं। इन लोगों के चक्कर में जल गया था मेरा तड़का, ये देखो मेरी पूरी धनिया हरी धनिया से काली धनिया हो गई है। अब मैंने डाल दी इसमें आलू। हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। इधर आलू फ्राई हो रही है और इधर आटा मार के रखा हुआ है मैंने। इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि आलू के पराठे हो और चाय ना हो तो फिर आलू पराठे का क्या मजा है। बात तो सही है। तो इधर देखिए मैं यहाँ पराठे बेलने का काम कर रही हूँ। यहाँ बेले जा रहे हैं पराठे और ये देखो ये पराठे सेक रहे हैं इधर गाना सुनते हुए। राहुल हेलो। हेलो गाइस, लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये इधर बेलने काम चल रहा है, इधर मक्कारी हो रही है, ये देखो इधर बैठ के फोन चलाया जा रहा है। रजत खाने के लिए बैठे हुए हो? ओहो आलू पराठे का इंतजार चल रहा है यहाँ। खाना खाने के बाद लंच करने के बाद मेरा आ गया पार्सल, मैंने कुछ ऑर्डर करा था, तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या मंगाया था। ये मैंने मंगाया था हैमर का ईयरबड्स। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती थी और मैं क्लास करती थी अपनी, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने ये ईयरबड्स मंगाए हैं। मेरे पास नेक बैंड है बट नेक बैंड थोड़ा चीप क्वालिटी वाला है, उसमें अच्छे से आवाज़ नहीं आती थी और कभी कभी तो बंद भी हो जाता था अपने आप ही, इसलिए मैंने ये मंगाया था। इनकी पैकिंग देखिए बहुत अच्छी पैकिंग में आया था ये। इसकी लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें ऐसे साइड में लाइट है ना, ये लुक देखिए इसका बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, और अच्छे से ईयर्स में फिक्स भी हो जाता है। ये है इसका बॉक्स, बॉक्स देख सकते हैं आप कितना कूल है। इस घर को तुम लोगों ने ग्राउंड क्यों बना रखा है? देखो आउट, राहुल आउट हो गया, रजत की बारी। ये आई और ये चौका। बारिश हो रही है इसलिए लोग घर में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या मारेंगे, चौका छक्का, ये लो दुग्गी। ये रजत दी बॉय, तिरछा मत मारो यार, कुछ तोड़ ओड़ मत देना। घर को बना डाला है क्रिकेट का ग्राउंड, ये देखो। ये हाँ देखो, और आगे चले जाओ, जब वो फेंकता है वहीं से मार दिया करो जाके बैट लेके। अब आ गई राहुल सान की बारी। मैं तो टूट गया मैं तो अब फट से। ये सब आप लोग मत देखना। गला शॉट लग क्या,
तो घर के टूर्नामेंट के बाद हम लोग आ गए पार्क में वर्ल्ड कप खेलने। ये देखिए इधर ये लोग क्रिकेट खेल के थक चुके थे तो आराम फरमा रहे हैं और ये यहाँ बैठकर अपने शस्त्र विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है। इनको कुछ नहीं पता कि आसपास क्या चल रहा है। इनका शस्त्र जो है वो बैट है और इधर ये आराम से टहल रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग ने ध्यान हटाया और इधर देखा तो यहाँ चल रहा था दंगल का महायुद्ध। एक ये तीन बच्चे एक के ऊपर एक इतना ज़्यादा लड़ रहे थे। इधर भी ये देखिए मैच खेल के अभी थके नहीं थे तो मैच फ़ोन में देख रहे हैं और इधर ने जैसे ही देखा कि इधर वीडियो बन रही है इनकी तो फुल फुटेज खाने के लिए लोग आ गए हमारे सामने और यहाँ पे सामने लड़ने लग गए ताकि इनकी वीडियो बने और वायरल हो। तो ये पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हम गए थे थक और हम लोग आ गए घर अपने। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और एक लाइक इन बच्चों के लिए तो करके ही जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।